गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो थंबनेल देख के तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया था आज हम कितना ज्यादा क्रेजी कुछ करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं नॉर्मल मैगी वर्सेस ब्लैक वाटर मैगी। यस, तो यार नॉर्मल मैगी का टेस्ट तो नॉर्मल ही होता है। अब यार ये नहीं पता कि ब्लैक वाटर मैगी का टेस्ट क्या कुछ अलग होएगा या फिर सेम ही होने वाला है। आपको पता है ब्लैक वाटर के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स ब्लैक वाटर ही कंज्यूम करते हैं। तो आज हमने भी ले लिया है ब्लैक वाटर। जो नॉर्मल वाटर की जो कॉस्ट होती है वो होती है 20 to 25 रुपीज और इसकी है 100 रुपीज। 100 रुपए का पानी है ये, 100 रुपए का। ये देख के तो वैसे अलग जगह का ही पानी लग रहा है। तो विदाउट एनी देरी फटाफट से अपना स्टार्ट करते हैं मैगी का कार्यक्रम। एक पैन में बनाएंगे नॉर्मल मैगी में और एक में बनाएंगे नॉर्मल वाटर में एंड एक में ब्लैक वाटर में। तो फटाफट ये क्रेजी चीज करते हैं। चलो, तो एक प्लेट ली है मैंने ब्लू कलर की जिसमें डालेंगे हम स्पेशल अपनी ब्लैक मैगी। एक लिया नॉर्मल प्लेट जिसमें नॉर्मल मैगी की। तो एक ले लिया है हमने पैन जिसमें हम नॉर्मल मैगी डालेंगे और दूसरे वाले पैन में हम डालेंगे ब्लैक वाटर का पानी। हम दोनों अलग अलग बनाएंगे। अब इसमें मैंने ब्लैक वाटर डाल दिया है, ऐसा लग रहा है चाय पत्ती का पानी है जैसे। तो नॉर्मल वाले में हमने अपना सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं और ये है ब्लैक वाटर मैगी, इसमें भी मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं एक नॉर्मल वाले पैन में आधी मैगी डालूंगी और आधी मैगी मैं डालूंगी ब्लैक वाटर वाले पानी में। एक ही मैगी यूज़ करूंगी, दोनों में डाल दिए हैं। अब देखते हैं कितनी देर में पकती हैं। तो जो नॉर्मल वाटर में मैगी थी वो तो बहुत ही जल्दी उबल गई, मगर जो ब्लैक वाटर वाली मैगी थी उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने मैगी उसी वे में बनाई है जैसे मैं नॉर्मली मैगी बनाती हूँ। मैगी मसाला डाल के, लाल मिर्च डाल के, कुछ अलग चीज़ नहीं करी है ताकि वैसे ही देखते हैं टेस्ट वैसा मिलता है नहीं मिलता। तो ये है ब्लैक वाटर वाली मैगी जिसका कलर काफ़ी ब्राउन है और ये है नॉर्मल वाटर वाली मैगी जिसका नॉर्मल कलर है। दोनों मैगी बन चुकी है, अब फटाफट से इनको सर्व करते हैं। तो भाई ये वाली है अपनी ब्लैक वाटर वाली मैगी, इसका मतलब कलर थोड़ा सा ये है डार्क ब्राउन है। और ये है अपनी नॉर्मल मैगी जो एकदम नॉर्मल मैगी का कलर है और दिख भी वैसी ही रही है। दोनों अगर कंपेयर करके देख लो एक बार तो कैसा कैसा दिख रहा है। तो भाई सबसे पहले अपन टेस्ट करेंगे ब्लैक वाटर वाली मैगी और ब्लैक वाटर वाली मैगी देख लो इसको टेस्ट करते हैं। पता नहीं कैसा होगा इसका टेस्ट, मुझे तो पता ही नहीं है, शायद अलग होगा वैसे ही होगा, आई डोंट नो। दूसरी वाली गलती, ये है अपनी नॉर्मल मैगी देख लो। भाई दोनों मैगीज में कोई डिफरेंस नहीं है, ब्लैक वाटर मैगी भी लग रही है वैसे ही, यानी कुछ अजीब सा टेस्ट है और नॉर्मल मैगी भी वैसी लग रही है। मगर एक जो बहुत अच्छी चीज लगी, ब्लैक वाटर मैगी का टेस्ट ना बहुत अलग है, मतलब ये वाली मैगी ना ज्यादा टेस्टी लग रही है अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसकी देखें नॉर्मल मैगी से ज्यादा टेस्टी ब्लैक वाटर वाली मैगी लग रही है, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। मेरे को तो लग रहा था कि कहीं कुछ अजीब सा उल्टा पुल्टा ही ना बन जाए, मगर होपफुली कुछ भी हो सकता है कभी भी, पर ये बहुत अच्छी बनी है ब्लैक वाटर मैगी। एक बार कभी जरूर ट्राई करना आप, 100 रुपए का ब्लैक वाटर लेके आओ, दो बार की मैगी बन जाएगी और एक जरूर जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई हमारे क्रेजी चैलेंज होता है खत्म। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। बाय।